अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम अक्टूबर के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड सेंटेक्स, पर्सन्स इन न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन कश्मीर ब्लैक डे वाज सेलिब्रेटेड, कश्मीर में यौम सियाह कब मनाया जाता है पाकिस्तान में भी? तो इसका आंसर हमारे पास है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर हम एज अ ब्लैक डे ऑफ कश्मीर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1947 में इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया था जम्मू कश्मीर को, और इसके गाजबाना कब्जे के 76 ईयर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु इज द न्यू पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डिजिग्नेटेड टू द यूएन? तो ये हमारे पास है बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जो है ये पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो डिजिग्नेट हुए हैं टू द यूनाइटेड नेशन जिनीवा को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच कंट्री अवार्डेड डेथ पेनल्टी टू द 8 इंडियन नेवी वेटरन्स? हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक फौजियों को किस मुल्क ने सजाए मौत सुनाई? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। कतर ने जो है ना 8 इंडियन साबिक फौजियों को सजाए मौत सुनाई है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये इस वजह से सुनाई है क्योंकि ये स्पाइक कर रहे थे फॉर इसराइल अगेंस्ट कतर, यानी ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के खिलाफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इन फर्स्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर? यानी पहले से हमारी जुलाई टू सितंबर में पाकिस्तान का बजट खसारा कितना है? तो इस जुलाई टू सितंबर के दरमियान हमारा खसारा है 962.8 बिलियन, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है ये 962.8 बिलियन है, जो 0.9% है जीडीपी के। और इसके अलावा जो है ना कंट्री के जो एक्सपेंडिचर्स है यानी जो खर्चा है हुकूमत का, वो 3.6 ट्रिलियन है, और एज कम्पेयर टू जो रेवेन्यूज है यानी जो इनकम करते हैं वो है 2.7 ट्रिलियन, विच इज वेरी लेस देन हिज एक्सपेंडिचर। हमेशा जो है ना एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू से कम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हु इज द लीडर ऑफ हिजबुल्ला? हिजबुल्ला का लीडर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है हसन नसरुल्ला। हसन नसरुल्ला जो है ना ये इस वक्त इनके सेक्रेटरी जनरल है लेबनीज ग्रुप हिजबुल्ला के, और इसको बैक कर रहा है ईरान। इसके अलावा हमास को भी बैक करता है ईरान, यानी सपोर्ट करता है, और होतीस को भी यमन में ईरान सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु विन दी 2023 एशिया पैसिफिक अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप? यानी एशिया पैसिफिक अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है, इसका चैंपियन कौन है? सो इट्स आंसर इज मुनाजा शाहीन। मुनाजा शाहीन है जो इसकी अभी रिसेंटली चैंपियन बनी है, जो कि पाकिस्तान से वाहिद गोल्फर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मच केपी केयर टेकर गवर्नमेंट अप्रूव द नेक्स्ट 4 मंथ बजट? खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने अगले 4 माह के बजट की कितनी मंजूरी दी? तो इसका आंसर है 529 बिलियन, और इसके अलावा जो है ना ये बजट हम हुकूमत ने पेश किया है ये 4 मंथ्स के लिए है, और ये 1 नवंबर 2023 से फरवरी 29, 2024 तक है, और इस दफा जो है इन्होंने इसमें तकरीबन 14% ज्यादा बजट जो है ना पेश किया है, इंक्रीज किया है बजट में फ्रॉम द प्रीवियस 4 मंथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु विन द कादियाज़म ट्रॉफी 2023 एंड 4? कादियाज़म ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती? तो इसका आंसर है कराची वाइट्स। रांची वाइट्स ने ये जीती, और ये किससे जीती? ये फैसलाबाद से इन्होंने। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच चाइनीज फॉर्मर प्रीमियर डाइज ऑफ हार्ट अटैक? चीन का कौन सा साबिक वजीर आजम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया? तो इसका आंसर है ली केकांग। ये जो है इनका वजीर आजम है जिसकी उम्र तकरीबन 68 ईयर्स थी, जो की फोर्थ हो चुका है ड्यू टू दी हार्ट अटैक। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यू एमसीक्यूज। हाउ मेनी ट्रिलियंस गवर्नमेंट ट्रांसफर टू द प्रोविंसेस अंडर एनएफसी अवार्ड द फर्स्ट क्वार्टर? पहले से हमारी में एनएफसी अवार्ड के तहत हुकूमत ने कितने खरब ट्यूबों को मुंतकिल किए? तो इसका आंसर है 1.088 ट्रिलियन, और इसके अलावा जो ये एनएफसी अवार्ड है 7th NFC अवार्ड, ये साइन हुआ था 30 दिसंबर 2009 को बाय द रिकमेंडेशन वी आर गिवन लीगल कवर। इसको मिला था 1 जुलाई 2010 को थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 5 ऑफ 2010, और इसके अलावा जो है ना ये नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के वक्त में अंडर द आर्टिकल 160
कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें क्या होता है एनएफसी अवार्ड में, एनएफसी अवार्ड में होता है एप्रोप्रिएट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, यानी फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो है ना रेवेन्यू एक खास रेशो की बिना पर शेयर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द न्यू किंग ऑफ मलेशिया, मलेशिया का नया बादशाह कौन है, तो इसका आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये न्यू किंग है मलेशिया के और ये 17th किंग बन चुके हैं और इस ये 5 साल के लिए है और इसका टेन्योर स्टार्ट होगा 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर से और इन्होंने सक्सीड किया है अल सुल्तान अब्दुल्ला रिया आयतुद्दीन अल मुस्तफा बिल्ला शाह को और इसके पहले इन्होंने सर्व किया है एज अ जोहर प्रोविंस का सुल्तान मलेशिया में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज द पॉलिसी रेट इन पाकिस्तान इन अक्टूबर, तो ये अक्टूबर में गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स किया था कितना 22%। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हाउ मच बजट प्रेजेंटेड पंजाब केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर अनदर 4 मंथ, पंजाब की निगरान हुकूमत ने मजीद 4 माह के लिए कितना बजट पेश किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 2076.2 बिलियन और पंजाब केयरटेकर ने 2023-24 का बजट जो 4 मंथ का है वो पेश किया है 276.2 बिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कंट्री सेलिब्रेट इट्स सेंचुरी रिसेंटली, किस मुल्क ने हाल ही में अपनी 7 साल यानी 100 साल तकरीब बनाई, तो ये हमारे पास है टर्की, टर्की ने अपनी 100 साल सेंचुरी रिसेंटली सेलिब्रेट और ये इन्होंने कब सेलिब्रेट की, ये इन्होंने 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट की क्योंकि रिपब्लिक ऑफ टर्की जो है ये क्रिएटेड हुआ था आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ सुल्तान मेहमद 6 को और इसको ओवरथ्रो किया था बाय द मुस्तफा कपाल अतातुर्क ने 1922 में और इसके अलावा न्यू रिपब्लिकन पार्लियामेंट बनी थी 1923 में, तो 1923 से लेकर 2023 में इसके 100 साल बनते हैं और इन्होंने अभी 2021 में अपना नाम भी चेंज किया था जिस जो था तुर्की और इसके अलावा ये इनका ऑफिशियल नेम है अभी रिसेंट और इनकी रिपब्लिक बनी थी 29 अक्टूबर 1923 को और 2021 में इन्होंने यूएन टर्की चेंज इट्स स्पेलिंग टू, पहले इसका ये टर्की था अभी ये तुर्की ये बन चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन लाहौर लाहौरे फेस्टिवल बिगेंस, लाहौर लाहौर लाहौरे फेस्टिवल कब शुरू होगा, तो ये लाहौर में शुरू होगा 28 अक्टूबर से और चलेगा टिल नवंबर 12 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फार्मर यूके पीएम टू होस्ट जीबी न्यूज शो, बर्तानिया के कौन से साबिक वज़ीर-ए-आज़म जीबी शो की मेजबानी करेंगे, तो इसका आंसर है बोरिस जॉनसन इसकी मेजबानी करेंगे। इसमें ये डिस्कशन करेंगे अबाउट रशिया यूक्रेन वार और अपनी एनालिसिस करेंगे इस पर और इसके अलावा यूके का 57th प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यूके का 57th प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक जो कि फर्स्ट नॉन व्हाइट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इन विच कंट्री शकीरा परफॉर्म इट्स फर्स्ट एवर कंसर्ट, शकीरा अपना पहला कंसर्ट किस मुल्क में करेगी अभी रिसेंटली, यानी किस मुल्क में करनी जा रही है, तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। शकीरा इज आल्सो टू परफॉर्म एट कंसर्ट इन सऊदी अरेबिया, द हिप्स डोंट लाई सिंगर परफॉर्मेंस एट द ओपनिंग सेरेमनी एट द रियाद सीजन वाज अनाउंस्ड बाय द जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी इन सऊदी अरेबिया हेडेड बाय तुर्की अल शेख। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु विन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो फॉर पाकिस्तान इन एशियन पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान के लिए डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये इसका आंसर हमारे पास है हैदर अली ने जी और हैदर अली ने इसके अलावा टोक्यो 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता पैरा ओलंपिक गेम्स और इसको स्पॉन्सर या सपोर्ट किया था किस डिपार्टमेंट ने, वो आप डाले किया, ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अली हैदर है, जापान से शिम्बो यमातो है, चाइना से जंग जुलोंग है और इसी तरह फोर्थ भी चाइना से है और इन्होंने हाईएस्ट डिस्कस थ्रो किया था 51.23 मीटर, ये है हैदर अली जिन्होंने विन किया गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो फॉर पाकिस्तान इन एशिया पैरा गेम्स। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्टिक रहा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।